दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगी ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन कैसे बनाएं। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये फ्रंट ब्लाउज बना के बताया था कि फ्रंट ब्लाउज नेट का कैसे बनाएं, और इसी का ये सेकंड पार्ट है बैक साइड का। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी बैक साइड का कैसे बनाएं, जिससे कि आपका पूरा ब्लाउज डिजाइनर बन सके। तो देखिए मैंने कपड़ा कट ले लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी लंबाई। तो लंबाई जैसे मुझे 13.5 इंच चाहिए, तो 14.5 इंच ले लें, 1 इंच एक्स्ट्रा ले लें। शोल्डर लेंगे 14 इंच, मुड्डे 7 इंच। अब ये ब्लाउज हमारा 34 साइज का है, तो तैयार रखेंगे तो हमारा 8.5 आएगा। इसमें से हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो 10.5 इंच लेना है। इसमें 1.5 इंच की उगलाई देंगे। इसके बाद हम नेक लेते हैं। इसमें क्या है कि नेक हमारा बोट नेक रहेगा और बाकी का नीचे कुछ भी नेक नहीं रहेगा, खाली ये सेंटर में हमारे हुक्स आएंगे। तो ये ले रही हूँ मैं 3.5 इंच। शोल्डर से ले लें 4 इंच और इसमें 1.5 इंच की उगलाई दे देंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ नेक से लेके ये पूरा आर्म होल यहाँ तक कट कर देते हैं। तो देखिए मैंने ये आर्म होल नेक सभी कट कर दिया है। अभी इसको सेंटर से कट कर देते हैं, क्योंकि हमारी ओपनिंग इसकी बैक साइड में रहेगी। तो देखिए मैंने लाइनिंग भी इसी तरह से फोल्ड कर लिया है, लेकिन लाइनिंग हमारा पूरे में नहीं रहेगा, खाली हमारा नीचे की साइड में आएगा। तो अभी आपको बताती हूँ लाइनिंग को आप किस तरह से कट करें। तो ये देखिए यहाँ से आप ये 6 इंच ले लें मुड्ढे से। उसके बाद आप देखिए कि आपको ये विदाउट लाइनिंग कितना चाहिए। जैसे कि मैं इसको बहुत कम ही रख रही हूँ, ओनली 3 इंच के आसपास, 3.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि हाफ इंच हमारा नीचे सिलाई में भी चला जाएगा, ऊपर भी चला जाएगा, तो ये 3.25 इंच के आसपास रहेगा। तो ये मैंने लाइनिंग रखूँगी, लेकिन हम अभी यहाँ से ड्रॉ करते हैं इसको। जैसे इस तरह की डिजाइन आ रही है, तो वो मोती को निकाल दें। तो देखिए ये जो हमारा लाइनिंग रहेगा, उतने पार्ट में लाइनिंग रहेगा, ये ऊपर विदाउट लाइनिंग रहेगा। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको हटा देते हैं ब्लाउज को, और यहाँ से हम इस तरह का इसका करके और कट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से कट गया है। तो देखिए ये जो आएगा हमारा ब्लाउज, तो वो इस तरह से आएगा। इतने पार्ट में हमारा आर्म होल में नीचे कमर में लाइनिंग रहेगा, ये विदाउट लाइनिंग रहेगा। तो अभी आपको बताती हूँ इसका सिलने का तरीका। तो जो ये बोट नेक है, इसके लिए तो हम क्रॉस में पट्टी कट कर लेंगे, और जो नीचे का पार्ट है इसके लिए भी आप क्रॉस में पट्टी कट कर लें, जिससे उसकी फिनिशिंग दे सकें। तो देखिए अभी आपको सिलने का तरीका बताती हूँ। तो जो हमारा ये लाइनिंग है, इसके लिए भी मैंने क्रॉस में पट्टी कट कर ली है, और जो बोट नेक है इसके लिए भी मैंने क्रॉस में पट्टी कट कर ली है। तो ये तो मैंने नीचे के लिए किया है, और नेट के लिए ये नेट क्लॉथ की पट्टी कट कर ली है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये भी तैयार कर लेते हैं, और उसके बाद ये नेक तैयार करेंगे, फिर इसमें कैसे स्टिच करना वो बताते हैं। तो एक एक पीस हम ले लेते हैं इस तरह से, देख लें। और जो पट्टी मैंने कट की है ये क्रॉस में है, तो इस तरह से डबल फोल्ड कर लें, और यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक हम स्टिच कर देंगे। अभी क्या करेंगे, जो ये पट्टी है इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई डाल देते हैं। तो देखिए ये पीस तैयार हो गया, इसी तरह दूसरा पीस भी तैयार कर लेते हैं। तो देखिए ये दोनों पीस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, इसको साइड में रख देते हैं, और अभी नेट का जो नेक है उसको तैयार करते हैं। तो सेम मेथड एक ही है। इसको भी क्या करेंगे, सेम इसी तरह से फोल्ड कर देंगे।
तो देखिए मैंने ये दोनों नेक तैयार कर लिए हैं, लेफ्ट राइट साइड का। अभी आपको बताते हैं हमने जो लाइनिंग तैयार किया है उसको कैसे सेट करना है। तो देखिए ये नीचे का लाइनिंग है हमारा, और इसको हम इस तरह से सेट कर लेंगे। तो पहले या तो आप कच्चा टांका कर लें और या फिर पिन से सेट कर लें, जिससे कि ये बराबर से सेट हो सके। तो देखिए ऐसे रखे, नीचे से इक्वल ले लें और इसको इस तरह से सेट कर देंगे। इसी तरह दूसरा पीस भी सेट कर दूंगी। अभी हम क्या करते हैं, आर्म होल से लेके यहाँ तक पूरा स्टिच डाल देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच कर दिया। अभी हम इसमें प्लेट डाल देते हैं। तो देखिए सेंटर से 3.5 इंच ले लें और इस तरह से फोल्ड करके, क्योंकि इसमें हमारा जितना लाइनिंग है हम उतनी लंबी प्लेट लेंगे। नॉर्मल हम 5 इंच लेते हैं, लेकिन इसमें हमारी 4 इंच के आसपास प्लेट आएगी। देखिए ये प्लेट भी हमारी दे चुकी है। अभी हम नीचे की फिनिशिंग दे देते हैं कमर में, और उससे पहले हमारे यहाँ पे हुक पट्टी काज पट्टी आएंगी लेफ्ट राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड जो है इधर हमारे काज पट्टी आती है, तो काज पट्टी के लिए मैंने ये सिल्क क्लॉथ ले लिया जो हम इसका लाइनिंग यूज कर रहे हैं। और यहाँ से हम ऊपर से ऐसे 1/2 इंच फोल्ड करते हुए नीचे तक इसको स्टिच कर देते हैं, और फिर से कमर पे फिनिशिंग देंगे। अभी यहाँ से जो हमने 1/2 इंच लिया इसको इस तरह से फोल्ड करें और इस तरह से करते हुए स्टिच डाल दें। तो देखिए मैंने काज पट्टी लग चुकी है, ये मैंने 1 इंच चौड़ी पट्टी कट करी है जो कि हम कमर में अभी फिनिशिंग देंगे। तो इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और सिलाई डाल देंगे। तो देखिए जैसे मैंने ये लेफ्ट साइड पीस तैयार किया था, उसी तरह मैंने राइट साइड भी पीस तैयार कर लिया। तो देखिए हमने इसकी स्टिचिंग कर दी है, नीचे फिनिशिंग भी दे दी है, हुक पट्टी काज पट्टी हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब फिटिंग दे देंगे तो इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा, और यहाँ पे हमारे ऊपर से पूरा नीचे तक हुक्स आएंगे। और इस आसान तरीके से आप ये सुंदर सा ब्लाउज डिजाइन बना सकते हैं। तो इसी ब्लाउज का जैसे मैंने बताया आपको फ्रंट पास बनाया, उसको देखना ना भूलें, जिससे कि आपका पूरा डिजाइनर ब्लाउज बन सके। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।